ये कहानी गोनापुर गांव की है, जहां एक सारथी नाम की महिला अपनी 8 साल की बेटी मोहिनी और 7 साल के बेटे मोहित के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। सारथी के पति शेखर के एक दुर्घटना के कारण दोनों हाथ कट चुके थे। तब से वो कोई काम नहीं करता था, बस सारा दिन घर में ही बैठा रहता था। सारथी को अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करना पड़ता। एक दिन सुबह सुबह, शेखर मैं काम पर जा रही हूँ, तुम बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना। माँ आप जब अपने काम से लौटकर घर आएंगी ना, तब हमारे लिए होली के रंग और सारा सामान ले आना, क्योंकि 2 दिन बाद होली है ना माँ, और गांव के सारे लोगों ने होली की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई कि 2 दिन बाद होली का त्योहार है और अब तक मैंने कोई भी तैयारी नहीं की है। पर मैं क्या करूं बेटा, इस बार हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। जो पैसा मैं रोज कमाती हूँ उन पैसों में तुम्हारे पिता की दवाइयाँ आ जाती हैं और थोड़े बहुत पैसों में हम अपना घर का खर्चा चलाते हैं, तो इस बार तो हम होली नहीं मना पाएंगे बेटा। माँ जब गांव के सारे लोग सारे बच्चे होली खेलेंगे और केवल हम ही उदास खड़े रहेंगे तो कैसा लगेगा माँ? होली का त्योहार साल में एक बार ही आता है, हम होली का त्योहार नहीं मनाएंगे तो कितना बुरा लगेगा माँ। मैं क्या करूँ बिटिया, मैं तो खुद चाहती हूँ कि हम सब मिलकर होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाएं। हम सब इस बार अच्छे से होली खेलें। पर बिटिया मैं मजबूर हूँ, मेरे पास एक पैसा तक नहीं। अब तुम लोगों को तो पता है ना कि तुम्हारे पिता कोई काम नहीं कर पाते हैं, इसीलिए घर का सारा खर्चा मुझे ही उठाना पड़ता है। देखो बिटिया इस बार शायद हम होली ना खेल पाए। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। इतना कहकर सारथी घर से काम के लिए निकल गई। माँ की ये बात सुनकर दोनों बच्चे उदास हो गए। मेरे बच्चों यहाँ आओ, मेरे पास आओ। अब क्या फायदा पिताजी, सारे गांव के बच्चे बड़े ही मजे से होली खेलेंगे और हम दोनों भाई बहन उदास खड़े सारे बच्चों को होली खेलता देखेंगे। पिताजी बचपन से लेकर अब तक हमने कोई त्योहार नहीं मनाया, हमारे सारे दोस्त कितने मजे से सब त्योहार मनाते हैं, बस हम ही हैं जो कोई त्योहार नहीं मना पाते। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि बचपन से लेके अब तक मैंने तुम दोनों को कोई त्योहार मनाने का मौका ही नहीं दिया, पर बेटा हम ये सब जानबूझकर नहीं करते। हमारा भी मन करता है कि हमारे बच्चे खुश रहें, वो भी अपने सपने पूरे कर सके, पर बेटा हम इस लायक ही नहीं कि हम तुम्हारे सपनों को पूरा कर सके। हमें क्षमा कर देना बच्चों, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। नहीं नहीं पिताजी आप रोइए मत, मुझे पता है कि अगर आपके हाथ आज सही सलामत होते तो आप हमें कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करते। आप हमारे हर सपने हर खुशी को पूरा करते थे। कोई बात नहीं पिताजी, हम इस बार अगर होली नहीं खेल पाए तो क्या हुआ, हम अगले साल होली खेल लेंगे, तब तक तो मैं भी माँ की तरह कमाने लग जाऊंगी। मेरे बच्चों को ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं भगवान, आखिर कब तक मेरे बच्चों को इसी तरह रोते रहना होगा। आज अगर मेरे हाथ सही सलामत होते तो मैं अपने बच्चों को इस हालत में कभी नहीं रहने देता। आज लोग हम पर हंसते, हमें भीख मांगने को कहते। हाँ वैसे तो मैं अपने बच्चों का ये सपना पूरा नहीं कर सकता, भले ही मैं कोई काम नहीं कर सकता, पर मैं भीख मांग कर तो अपने बच्चों का ये सपना पूरा कर ही सकता हूँ। हाँ मैं भीख मांगूंगा, मैं भीख मांगूंगा, अपने बच्चों के लिए भीख मांगूंगा। लेकिन मैं अपने बच्चों की आंख में आंसू नहीं आने दूंगा।
शेखर अपने बच्चों की खुशियों की खातिर अपने ही गांव में भीख मांगना शुरू कर देता है। इधर मोहिनी और मोहित दोनों भाई बहन अपने घर वापस आए। उन्होंने अपने पिता को घर में जब नहीं देखा तो वो दोनों घबरा गए। अरे पिताजी कहाँ चले गए? हम गए तब तो वो घर में ही थे। लगता है पिताजी घर के बाहर कहीं बैठे होंगे, चलो हम उन्हें देखकर आते हैं। दोनों भाई बहन ने अपने पिता को घर के आसपास तलाश किया लेकिन शेखर कहीं नहीं दिखाई दिया। लेकिन शेखर ने गांव में ही भीख मांगकर काफी सारे पैसे इकट्ठे कर लिए थे। शेखर शाम को घर वापस आया, तब तक सारथी भी घर पहुंच चुकी थी। पिताजी पिताजी आप कहाँ चले गए थे? हम सवेरे से आपको ढूंढ रहे थे। क्या तुम सवेरे से घर के बाहर थे? क्यों कहाँ गए थे तुम? अगर मैंने अभी इन्हें सच्चाई बता दी तो ये सब बहुत नाराज हो जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे अभी अपने परिवार से ये बात छुपा कर रखनी होगी। अभी मुझे 2 दिन तक और पैसा जमा करना होगा ताकि मैं अपने बच्चों के लिए होली का सामान ला सकूं। अरे बोलो ना, कहाँ गए थे तुम? अरे तुम लोग इतना परेशान क्यों हो रहे थे? मैं तो अपने एक दोस्त के यहाँ गया था। घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि अपने दोस्त के घर थोड़ा मन बहलाने के लिए चला जाऊं। अच्छा अच्छा, चलो ये तो अच्छी बात है। अब चलो बच्चों, अब खाना खा लेते हैं सब, आ जाओ। अगले दिन सुबह शेखर दोबारा घर से निकल गया और गांव में भीख मांगने लगा। देखते ही देखते 2 दिन गुजर गए। अगला दिन होली का था, तभी सारथी ने सड़क पर शेखर को भीख मांगते हुए देख लिया, लेकिन शेखर उससे बहुत दूर था। अरे ये तो शेखर है, पर ये शेखर यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे शेखर, ये क्या कर रहे हो तुम? ये भीख क्यों मांग रहे हो? सारथी ने जब ध्यान से देखा तो पता चला कि शेखर लोगों से भीख मांग रहा था। ये देखकर सारथी की आंखें भर आईं। सारथी दौड़ती हुई शेखर के पास आई। लोग शेखर को चिल्लर दे रहे थे और वो मुंह से पकड़कर उन पैसों को अपनी जेब में डाल रहा था। सारथी शेखर के पास आई और शेखर को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। ये क्या कर रहे थे तुम? यहाँ रास्ते पर खड़े होकर भीख क्यों मांग रहे हो? आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि तुम्हें भीख मांगनी पड़ गई? अब मैं क्या करूं? सारथी से मैं झूठ भी नहीं बोल सकता। लगता है सारथी को सब सच्चाई बतानी होगी। बोलो ना शेखर। सारथी सारथी, मेरी जेब में हाथ डालो। इतने सारे पैसे? सारथी सारथी, मैं एक ऐसा बाप हूँ जो अपने बच्चों की खुशियों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। मेरे हाथ ना होने की वजह से मैं कोई काम नहीं कर सकता, पर अपने बच्चों की खुशियों के लिए मैं कम से कम भीख तो मांग ही सकता हूँ ना, ताकि मैं अपने बच्चों के लिए होली का रंग और सामान ला सकूं, ताकि मेरे बच्चे इस बार खुशी खुशी होली खेल सके। साथी, हम गरीब हैं तो क्या हमारे बच्चों को खुश रहने का अधिकार नहीं? मैं अपने बच्चों को कभी उदास नहीं देखना चाहता साथी। अगर अपने बच्चों के खातिर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो वो भी मैं दे दूंगा, पर अपने बच्चों को कभी उदास नहीं रहने दूंगा, कभी उदास नहीं रहने दूंगा। शेखर की बात सुनकर सारथी भी खुद को रोक ना सकी और वो भी जार कतार रोने लगी। दोनों पति पत्नी ने उन पैसों से अपने बच्चों के लिए होली का सामान खरीदा और अपने घर वापस आ गए। मोहित और मोहिनी ये सब देखकर बहुत खुश हुए और अगले दिन चारों ने खुशी खुशी होली मनाई। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। राह में मिलने वाले हर इंसान को राधे राधे कहता हुआ जगन सीधा कृष्ण मंदिर की ओर बढ़ता जा रहा था।
ये जगन का नित्य नियम था। वो हर सुबह उठकर नहा धोकर गणेश वंदना करके नंगे पांव राधा कृष्ण के मंदिर जाता था। राह में जो भी उसे मिलता उसको राधे राधे कहकर वो उसका अभिवादन करता। राधे राधे भैया, राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे। रोज की तरह आज भी जगन राधा कृष्ण के मंदिर आया था। मंदिर की पहली सीढ़ी पर माथा टेका, आगे बढ़ा, द्वार पर लगी घंटी बजाई और पूजा करने में लग गया। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हे गोपाल, आपने अपने सखा सुधामा को गले लगाया था, उसकी सहायता की थी, तो फिर इस सुदामा की तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं गया? मैं भी तो सुदामा ही हूं, मैं भी तो आपको सखा हूं। मुझ पर कृपा करो, कृपा करो गोपाल, कृपा करो गोपाल। ये कहकर जगन गोपाल श्री कृष्ण की मूर्ति को निहारने लगा। उसे लगा कि गोपाल उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। ये देखकर जगन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई, तो गोपाल श्री कृष्ण से कहने लगा, मैं समझ गया भगवान, आप जरूर मेरे बारे में कुछ अच्छा सोच रहे हैं, सही समय आने पर मुझे बताएंगे। बस गोपाल, अपने सखा का भी हमेशा ध्यान रखना। जय गोपाल राधे, राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधा कृष्ण मंदिर में पूजा कर जगन बाहर आया और घर की ओर जाने लगा। आखिर उसे अपनी मजदूरी पर भी निकलना था। वो अभी मंदिर से निकला ही था कि उसकी नजर पग्गूमल पर पड़ी। पग्गूमल उनका बचपन का दोस्त था। दोनों साथ साथ पढ़े थे, दोनों सहपाठी भी थे, गुरु भाई भी और बचपन के दोस्त भी। पर अब पग्गूमल एक बहुत ही अमीर आदमी बन चुका था। अब वो मंदिर भी अपनी नई चमचमाती गाड़ी में आया करता था। पग्गूमल को देखकर जगन खुश हो गया और तेजी से उसकी ओर बढ़ा। अरे पग्गू, राधे राधे, राधे राधे, कैसे हो पग्गू, मेरे दोस्त, मेरे भाई। कितनी अच्छी बात है ना, हम बचपन में स्कूल साथ जाया करते थे और अब मंदिर भी साथ आते हैं। पग्गूमल को देखकर जगन जितना खुश हुआ था, जगन को देखकर पग्गूमल को उतना ही बुरा लगा। पग्गूमल ने अपने माथे पर बल डालते हुए उससे पूछा, क्यों, कुछ चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं पग्गू, बस तुमसे मिलकर अच्छा लगा। समय निकालकर कभी अपने इस दोस्त के घर भी तो आओ। तेरे घर? देख जगन, अब हम बड़े हो गए हैं, तुझे ये बात समझनी चाहिए कि दोस्ती और व्यवहार अपने बराबर वालों में चलता है। अरे तेरी दुनिया अलग है, मेरी दुनिया अलग, तू अपनी दुनिया में खुश रहे, बस। इस तरह जगन को दुत्कार कर पग्गूमल मंदिर की ओर बढ़ गया। जगन की आंखों में आंसू आ गए, पर फिर उसने खुद को संभाला। हाँ भाई, तुम मेरे गोपाल की तरह थोड़े ही हो जो अपने गरीब दोस्त सुदामा को भी गले लगाते थे। मुझे भी तुम्हारे जैसा सखा नहीं चाहिए, मेरे सखा तो मेरे गोपाल है। ठीक है, मैं चलता हूं। इस तरह खुद को समझाकर जगन अपने घर की ओर बढ़ चला। रास्ते में उसे पेड़ के नीचे रोज की ही तरह वो भिखारी बैठा हुआ मिला, जिसके लिए वो रोज ताजा रोटी और सब्जी लाना नहीं भूलता था। राधे राधे भाई, ये लो तुम्हारा खाना। राधे राधे गोपाल जी, भैया तुम्हारा भला करे ऊपर वाला, तुम इस गरीब का कितना ख्याल रखते हो। अरे भैया, ख्याल रखने वाले तो मेरे गोपाल जी हैं, मैं तो बस एक इंसान की तरह अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। अरे भैया, तुम्हारे जैसे नेक इंसान भी आजकल कहाँ मिलते हैं। गोपाल जी तुम्हारा भला करें। राधे राधे भैया, राधे राधे। राधे राधे, चलता हूँ भाई, काम पर भी जाना है। रोज सुबह की अपनी पूजा निपटाकर जगन अपने घर आया
और जल्दी से मजदूरी पर जाने के लिए तैयार होने लगा। जैसे ही नाश्ता खाने बैठा, उसकी पत्नी सावित्री ने उससे कहा, सुनते हैं आपके दोस्त पग्गू मल ने एक और दुकान खरीद ली है। बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है वो। लोग कहते हैं कि वो बेईमानी करता है, अपने सामान में मिलावट करता है। अरे ऐसी कमाई किसी को फलती नहीं है, पर हमें क्या, वो जाने और गोपाल जी जाने। आप कभी उससे मिलकर बात क्यों नहीं करते? आपका तो बचपन का दोस्त है ना वो, उससे मदद क्यों नहीं मांगते? या कभी उसे खाने पर बुला लो। ये सुनकर खाना खाते हुए जगन का हाथ रुक गया। आज सुबह मंदिर के रास्ते में जो हुआ था सो उसने सावित्री को नहीं बताया, बस इतना ही कहा। अरे सावित्री, बचपन की बातें और होती हैं, बड़े होकर सब बदल जाता है। मतलब अब हम बड़े हो गए हैं तो हमें उसी तरह से बात करनी पड़ेगी ना। कहकर जगन ने अपना खाना खत्म किया और बिस्तर पर लेट गया। वो सोचने लगा, काश बड़े होकर भी हम बचपन की ही तरह दोस्त रह पाते तो कितना अच्छा होता। तभी उसके मन से आवाज आई, अरे पगले, जिसका सखा स्वयं गोपाल कृष्ण हो उसे और किसी सखा की क्या जरूरत है। बस राधे राधे बोल, वही तुझे संभालेंगे। इस बात से जगन को बड़ी तसल्ली मिली और वो सो गया। अगली सुबह रोज की तरह जगन मंदिर से लौट रहा था और सभी को राधे राधे कहकर अभिवादन करता हुआ जा रहा था। तेजी से चलते जगन की नजर रास्ते के किनारे एक जख्मी घोड़े पर पड़ी। वो रुक गया। उसने देखा बेचारे घोड़े की आंखों से आंसू बह रहे थे। ओह, बेचारा बेसबान जानवर, किसी को अपने दर्द भी नहीं बता सकता। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, मैं आ रहा हूं। मुझे अपना दोस्त समझो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मेरे सखा गोपाल कृष्ण तुम्हें जल्दी अच्छा करेंगे। राधे राधे, राधे राधे। जगन ने ध्यान से देखा तो पता चला कि घोड़े की टांग में चोट लगी है। जगन भागा भागा पास के मेडिकल स्टोर में गया, वहां से दवाई और पट्टी खरीदी और लाकर घोड़े के जख्म पर बांध दी। फिर उसने अपनी जेब में पड़े सिक्के निकाले और घास और चने खरीदकर घोड़े को खिलाए। 4-5 दिनों की सेवा में घोड़ा ठीक हो गया और चलने फिरने लगा। जगन उसे लेकर घर आ गया। घोड़े को देखकर उसकी पत्नी सावित्री बोली, अरे ये घोड़ा कहाँ से उठा लाए तुम? यहाँ अपने खाने को तो पूरा हो नहीं रहा, अब इसे कहाँ से खिलाएंगे? अरे सावित्री, ये घोड़ा नहीं, मेरा दोस्त है मुरारी। मुरारी? हाँ मुरारी। अरे अब इस बेचारे का मेरे अलावा कोई नहीं है तो यहीं तो रहेगा। अच्छा मुरारी, तुम अपनी भाभी को तंग नहीं करोगे ना? देखो कह रहा है नहीं करेगा। और इस तरह जगन, सावित्री और घोड़ा मुरारी मिलकर रहने लगे। घर में जो कुछ भी होता तीनों मिलकर खा लेते। कुछ दिनों बाद जगन को पता चला कि गांव में घोड़ों की दौड़ है। जगन फौरन घोड़े मुरारी के पास गया और बोला, क्यों मुरारी, दौड़ में हिस्सा लोगे? जीतना है, तुम्हारे गरीब दोस्त की इज्जत का सवाल है। अच्छा ठीक है, तुमने कह दिया है कि तुम जीतोगे तो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। घुड़दौड़ के दिन मैदान में जैसे पूरा गांव ही आ गया था। सभी अपने अपने घोड़ों को जोश दिलाने के लिए शोर मचा रहे थे। जगन को भरोसा था कि उसका मुरारी ही जीतेगा। घुड़दौड़ शुरू हुई। बाकी सब घोड़ों ने भी अपनी पूरी जान लगाई, पर जीत मुरारी की ही हुई। जगन को मेडल के साथ नकद इनाम भी मिला। इनाम पाकर जगन मुरारी से बोला, लो भाई मुरारी, अपनी तो जिंदगी बदल गई,
अब इन पैसों की मैं गाड़ी खरीदूंगा और हम दोनों मिलकर सामान इधर से उधर ले जाने का काम करेंगे। अच्छी कमाई हो जाएगी। तुम्हारी भाभी हमेशा शिकायत करती रहती है कि हम बस खाते ही हैं, कमाई कुछ नहीं करते। अब ढेर सारी कमाई करेंगे। बस कल होली का दिन निपट जाए, परसों से काम शुरू। अगले दिन होली के रंगों में रंगे सभी मौज मस्ती कर रहे थे, तभी जगन को पग्गूमल का ध्यान आया। काश आज पग्गूमल भी यहाँ होता तो हम बचपन की तरह मिलकर होली खेल रहे होते। तभी वो भिखारी जगन के सामने आया, जिसे जगन हर रोज रोटी सब्जी दिया करता था। उसने जगन से कहा, बाबूजी, क्या आप मेरे साथ होली खेलेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, तुम भी तो मेरे सखाई हो। आ जाओ। कहकर जगन उस भिखारी के साथ होली खेलने लगा। होली खेलते खेलते भिखारी एक पेड़ के नीचे चला गया और झोले से बांसुरी निकाल कर बजाने लगा। जैसे ही जगन ने उसे देखा, वो भिखारी साक्षात गोपाल कृष्ण के रूप में बदल गया। जगन राधे राधे कहकर दौड़ा और अपने सखा गोपाल कृष्ण के पैर पकड़ लिए। जगन, तूने कैसे सोचा कि तेरा ये सखा तेरे साथ होली खेलने नहीं आएगा? तू किसी बात की चिंता मत किया कर, तेरी चिंता तो मैं करता हूं ना। ये कहकर गोपाल कृष्ण ने जगन पर रंग डाला और अंतर्ध्यान हो गए। होली के अगले दिन से जगन और मुरारी काम पर लग गए। उनकी मेहनत और ईमानदारी रंग लाई और जगन भी अमीर हो गया। उधर पग्गूमल की बेईमानी का सबको पता चल चुका था, सो उसका कारोबार ठप पड़ चुका था। उसकी बची कुची इकलौती दुकान बिकने की नौबत आ गई। सावित्री ने जगन से कहा, सुनो जी, आपके बचपन के दोस्त पग्गूमल की हालत बहुत खराब है, उसकी दुकान बिकने वाली है। देखो जी, आप उसके बचपन के दोस्त हो, आप उसकी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? हाँ, ठीक कहती हो सावित्री। पक्कू कैसा भी हो, है तो मेरे बचपन का दोस्त ही, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। वो पग्गू के पास गया और बोला, पग्गू मेरे दोस्त, लो ये कुछ पैसे रख लो और अपना काम संभालो। और हाँ, ईमानदारी से काम करना, बेईमानी से सिर्फ एक दो दिन का फायदा होता है और ईमानदारी से पीढ़ी दर पीढ़ी। पग्गूमल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जगन को गले लगा लिया। जगन मेरे दोस्त, मेरे भाई, मुझे माफ कर दो, अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। इसके बाद पग्गूमल और जगन बचपन के दोस्तों की तरह रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बचपन की दोस्ती को कभी हैसियत के तराजू में नहीं तौलना चाहिए और बचपन के दोस्त की मदद करना हमारा फर्ज होता है।